दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि करिश्मा कपूर जितनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बनी हैं, उससे ज्यादा वो अपने निजी जीवन को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों करिश्मा कपूर का नाम बिजनेसमैन संदीप तोशनीवाल के साथ जोड़ा जा रहा है, इसके चलते सभी के मन में ये सवाल है कि करिश्मा कपूर दूसरी शादी करेंगी या नहीं। वेल, इसका आंसर तो हमें आने वाले दिनों में मिल ही जाएगा। लेकिन करिश्मा कपूर की दूसरी शादी पर उनके एक्स हस्बैंड संजय कपूर ने कुछ चौंका देने वाले रिएक्शन दिए हैं, जिन्हें सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए जानते हैं करिश्मा कपूर की दूसरी शादी पर संजय कपूर के चौंका देने वाले रिएक्शन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2003 में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से शादी की थी। शुरुआत में सब अच्छा रहा। इनकी इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, जिनका नाम समायरा और कियान रखा गया। लेकिन जब साल 2016 में किसी वजह से करिश्मा कपूर और संजय कपूर का डिवोर्स हुआ, तब दोनों बच्चों की कस्टडी करिश्मा कपूर को दी गई थी। संजय कपूर ने करिश्मा से तलाक लेने के दौरान एलिमनी के रूप में मोटी रकम भी चुकाई थी। इसके अलावा उन्होंने अपने बच्चों के नाम से 14 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे, जिससे करिश्मा कपूर को महीने के करीब 10 लाख का ब्याज मिलता है। लेकिन अब करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड ने करिश्मा कपूर की दूसरी शादी पर चौंका देने वाले रिएक्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती हैं, तो उनके दोनों बच्चों की कस्टडी उन्हें मिलनी चाहिए और उन्होंने डिवोर्स के दौरान जितने भी पैसे करिश्मा कपूर को दिए हैं, वो सभी उन्हें वापस किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो करिश्मा कपूर के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। वेल, अब ये देखना होगा कि अगर करिश्मा कपूर दूसरी शादी करती हैं, तो उनके बच्चों की कस्टडी संजय कपूर को दी जाती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आप संजय कपूर के इस रिएक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और चटपटी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।